नमस्कार, मैं हूँ सुनिधि बरोटा और आज के इस इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस कोरोना की महामारी में जहाँ परिवार भी मुंह मोड़ ले रहा है, वहाँ कुछ अनजान फरिश्ते की तरह आकर लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक फरिश्ते से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सुनील जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया है। जिन्हें आप सब टीवी पर देख रहे हैं वो अहमदाबाद के आम जनता के बीच का ही एक जाना माना चेहरा है, वो है अमित दलवाड़ी जी। अमित दलवाड़ी जी जनसेवा एनजीओ के हेड हैं। हर मुश्किल में पड़े व्यक्ति के स्पीड डायल पर इनका नंबर मौजूद है। हॉस्पिटल में बेड चाहिए हो या ऑक्सीजन का सिलेंडर, आइसोलेशन वार्ड में जगह चाहिए हो या ऑक्सीजन का सिलेंडर पेशेंट तक कहाँ पहुँचाना है, बस फ़ोन घुमाइए और आपका काम हो जाएगा। परंतु जितना आसान इनका काम लगता है उतना है नहीं। क्यों? इसका जवाब तो अमित जी ही देंगे। अमित जी, क्या आप बता सकते हैं लोगों की मदद करते हुए आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी दिक्कत तो करप्शन है। लोगों का लालच इतना बढ़ गया है कि उनके लिए पैसे का मोल इंसान की जान से ज्यादा हो गया है। आज बेड्स हो या ऑक्सीजन सिलेंडर हो, लोग उसको दोगुनी तिगुनी दाम लगा के चीजों को ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मेरे बताए हुए शेड्यूल और इम्यूनिटी बूस्टर वाली रेसिपी को फॉलो कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों, बात इतनी है कि अभी जो आप काम कर रहे हैं उसे थोड़ा साइड पे रखें और मेरे बताए हुए बात को थोड़ा ध्यान से सुने। ये जो वैक्सीन है जो गवर्नमेंट हमें देने वाली है वो सिर्फ 60% या 62% ही इफेक्टिव है, और मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी यही लिखा है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट से अपील करें कि हमें कोई और वैक्सीन दे। और वैसे तो मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि आप मेरे बताए हुए शेड्यूल और इम्यूनिटी बूस्टर वाली रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको कोरोना टच भी नहीं कर सकते। आपके पिछली वीडियो में वैक्सीन 50% इफेक्टिव थी और रिसीव वाले वीडियो में 65%। नेक्स्ट वीडियो में लगता है आप अपनी बनाई हुई कोई वैक्सीन ही लॉन्च कर देंगे। उससे पहले मेरा भेजा हुआ लीगल नोटिस पढ़ लीजिएगा और जेल जाने के लिए सामान भी पैक कर लीजिएगा। અરે આ જો ને કોરોનાના ચક્કરમાં બધા રસ્તા બંધ કર થઈ ગયા છે, પોલીસ વાળા ઘરની બહાર નીકળવા નહીં દેતા, અને બીજું એનું સેન્ટર ઘરથી બહુ જ દૂર હતું અને એટલે મોડો પહોંચ્યો હતો। એટલું ખરાબ થયું? એને સુસાઇડ નોટમાં એમ લખ્યું હતું કે એ 2 વર્ષનો ઓલરેડી ગેપ લઈ ચૂક્યો છે અને એના કિસાન મમ્મી પપ્પાને પૈસા બગાડવા માંગતો નતો। અરે, કેટલું ખરાબ થયું? એટલે મેં તને કહું છું કે તું ચકુડીને બોલ્યા ના કરીશ, એને જે કરવું હશે એ કરશે અને જે બનવું હશે બનશે। હા, એ પેલું ચકુડીએ મને પહેલી મેન્ટલ હેલ્થ અવેરનેસ મંથ વિશે બધું કહ્યું હતું અને ત્યારથી એને કશું બોલતી જ નથી। હા, આજે એના મનપસંદનું જમવાનું બનાવું છું, પછી સાથે જમવા બેસીશું અને વાતો કરીશું। आपके न्यू प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाहूंगी, स्लम सुधार, जिसके लिए आपका अलग विंग भी है और न्यू सेंटर भी कहीं आसपास खुल रहा है। अगर देखा जाए तो सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी कम्युनिटी पे पड़ा है तो वो स्लम में रहने वाले लोग हैं। ना ही इनके पास स्टेबल जॉब है और ना ही पैसे। पहले तो एक पॉट की रोटी मिल जाती थी पर अब तो लेबर वर्क भी नहीं है, और जो घर है इनके पास वो इतने पास पास है कि जिसके वजह से कोरोना काफी लोग अपने चपेट में ले लेता है। और फिर
टेस्टिंग भी नहीं हो पाती और जब तक कोरोना का पता चलता है तब तक कंडीशन सीरियस हो जाती है और फिर जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की बारी आती है तब उनके पास पैसे नहीं। सबसे बड़ी कंडीशन सीरियस लाशें बिछती गई, स्वार्थ बढ़ता गया, जान की कीमत लगी, गरीब मरा और अमीर बचता गया। हेलो वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर। यस मैम, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मुझे एक कंप्लेंट दर्ज करवानी थी ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में। ओके, ये कंप्लेंट किसके अगेंस्ट दर्ज करवानी है मैम, और क्या आप डिटेल में सब कुछ बता सकती है? मुझे मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज करवानी थी, क्योंकि जब वैक्सीन लगवा रहे थे तब मेरी सासू माँ ने मुझे मना करा था वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि अगर मैं वैक्सीन लगाने के बाद अगर मैं बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा। और उसके थोड़े दिनों के बाद मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हो गए और फिर भी मेरी सासू माँ ने मुझे मना करा टेस्ट करवाने के लिए और कहा कि अगर मैं क्वारंटाइन हो जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा और मेरे हस्बैंड की देखभाल कौन करेगा। ओके मैम, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, आप फिक्र ना करें, हम जल्दी से जल्दी किसी को भेजेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। और इंडिया में इतने ज्यादा लोग हैं कि कुछ भी कर लो रिसोर्सेस कम ही पड़ेंगे, और ऐसे टाइम में भी लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर पॉपुलेशन ही कम होती तो फिर सोचने वाली बात ही क्या थी, ऐसे ही बैठे बैठे सोचने से खड़े लोग थोड़ी रुकेंगे। और कौन कहता है कि इंडिया में अच्छे लोग नहीं है? अच्छा ऐसा क्या, और ऐसा कैसे रुकेगी थर्ड वेव? और कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये अच्छे लोग? प्रिकॉशन से, अवेयरनेस से और गाइडलाइंस फॉलो करने से थर्ड वेव रोकी जा सकती है। और जो तू ढंग से न्यूज पढ़ता तो तेरे को पता चलता कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। और अनफॉलो कर जो ऐसे फेक रूमर्स फैलाते हैं। हाँ वो तो पक्का कर दिया। और जरूर नहीं कि जो लोग सोशल मीडिया में दिखाते हैं वही लोग सिर्फ मदद करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई सारे लोगों की मदद करते हैं बट किसी के सामने उसका जिक्र भी नहीं करते। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड।